फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन पॉपकॉर्न रेसिपी KFC स्टाइल में, और जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप ये रमज़ान की स्पेशल डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तारी में। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक एज़ पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है। 1/2 टीस्पून हम ऑरेगानो का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडा लिया है मैंने, और 1/2 नींबू का रस का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, और 1/4 कप मैदा ले लिया है, और ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस, साथ में ऐड कर देंगे चिकन के हिसाब से नमक, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। तब तक हम पाउडर कोटिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर और मैदा। ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, और साथ में काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये पाउडर कोटिंग बनकर रेडी हो गई है। अब एक बाउल में हम 1 अंडा फोड़ लेंगे, और उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और अच्छी तरह से हम इसे फेंट लेंगे। और ये देखिए, 15 से 20 मिनट तक मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे एक मिक्स दे देंगे, और डिप करेंगे पाउडर कोटिंग में। अच्छी तरह से हमें इसे डिप कर लेना है, और कोट लगा लेना है। उसमें एग के बैटर में हम डिप कर लेंगे, और अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, और हमें इसे अच्छी तरह से क्रंची बनाना है। तो हम इसे फिर से एग के बैटर में डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद, और फिर से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और बिल्कुल KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न बनकर रेडी है। हमें इसे बस अब फ्राई करना है, पर उससे पहले हम बाकी सभी चिकन को इसी तरह से कोटिंग लगा लेंगे। ये देखिए, सभी को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। और अब हम एक पैन में तेल गरम होने रख देंगे, और तेल गरम होने के बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, और इस तरह से फ्योम आएगा, क्योंकि हमने इसमें एग का यूज़ किया है। अंडे का जो है वो झाग इस तरह से आता है फ्राई करते वक्त। और ये देखिए, हमने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कलर होने तक इसी तरह से फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर देखिए, मैंने इसे फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट तक, और ये चिकन पॉपकॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक एब्जॉर्बन पेपर पर निकाल लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और ये क्रिस्पी और क्रंची चिकन पॉपकॉर्न बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल KFC स्टाइल में। आप इसे इस रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा, और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, और बड़ों को भी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इन चिकन पॉपकॉर्न को हम सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ, या आप शेज़वान चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया चिकन पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।